गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र में नोएडा पुलिस को देखकर लोग हैरान रह गए। दरअसल नोएडा से गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे लोनी निवासी सतवीर की संपत्ति कुर्क करने नोएडा पुलिस लोनी पहुंची थी, जिस संपत्ति की कुल कीमत 4 करोड़ बताई जा रही है। आज दिनांक 24/9/2020 को माननीय न्यायालय पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर के आदेशानुसार अभियुक्त सतवीर बंसल पुत्र किशन लाल निवासी ग्राम घंघौला थाना कासना जनपद गौतम बुद्ध नगर की ग्राम जाफराबाद गनौली में स्थित संपत्ति खतौनी संख्या 435 कुल क्षेत्रफल 0.4216 हेक्टेयर अंतर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 336/19 थाना कासना जनपद गौतम बुद्ध नगर को राज्य हित में कुर्क किया जाता है। आप सभी ग्रामवासियों को हिदायत की जाती है कि इस बोर्ड को तथा इस खेत को किसी प्रकार से खुर्द-बुर्द करने का प्रयास ना करें, नहीं तो आपके विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 24/9/2020 को माननीय विशेष न्यायालय पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर के आदेशानुसार अभियुक्त सतवीर बंसल पुत्र किशन लाल निवासी ग्राम घंघौला थाना कासना जनपद गौतम बुद्ध नगर की ग्राम जाफराबाद गनौली में स्थित संपत्ति खतौनी संख्या 62 क्षेत्रफल 0.0693 अंतर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 336/19 थाना कासना गौतम बुद्ध नगर को राज्य हित में कुर्क किया जाता है। आप सभी ग्रामवासियों को हिदायत की जाती है कि कृपया इस बोर्ड के साथ में किसी प्रकार का खुर्द-बुर्द ना करें, नहीं तो आपके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई अपनाई जाएगी। संपत्ति खाता संख्या 57 कुल क्षेत्रफल 0.5270 अंतर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 336/19 थाना कासना गौतम बुद्ध नगर को राज्य हित में कुर्क किया जाता है। आप सभी ग्रामवासियों को हिदायत किया जाता है कि इस बोर्ड के साथ अन्यथा इस खेत के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना करें, अन्यथा आप लोगों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सुनो। गाजियाबाद लोनी कोतवाली में क्षेत्र में पहुंचे, कार्रवाई की जा रही तमाम कुर्की की, किस तरीके की कार्रवाई, कौन आरोपी है, किस तरीके का अपराधी है? देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आपराधिक माफियाओं के विरुद्ध एक अभियान चल रहा है, जिसमें उनके द्वारा अवैध धंधों से अर्जित प्रॉपर्टी की कुर्की की जा रही है, सरकार हित में जब्त किया जा रहा है, जिससे उनके हौसले पस्त हो जाएं। उसी अनुक्रम में पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर के आदेशानुसार आज हम लोग सतवीर बंसल की गनौली गांव में आए हैं कुर्क करने के लिए, जिसकी 40 बीघा ज़मीन है लगभग, जिसकी सरकारी कीमत 1,90,00,000 है, लेकिन बाजारू कीमत उसकी 4 करोड़ से ऊपर है। सुंदर भाटी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा आपराधिक माफिया है, जिसका रजिस्टर्ड गैंग है D11, उसी का ये साथी है। एक गैंगस्टर अभी हाल में कायम हुआ है, सतवीर बंसल पर एक्सटर्शन के मुकदमे हैं, गैंगस्टर के मुकदमे हैं। सुंदर भाटी के माध्यम से ये फैक्ट्रियों में अपनी गाड़ियाँ लगाता है, अवैध पैसा अर्जन करता है, उसकी प्रॉपर्टी को ये कहीं न कहीं खपाता रहता है, फ्लैट खरीदता है, ज़मीन खरीदता है, और उसका प्रमुख साथी है। सर, अभी तक अगर बात करते हैं सतवीर बंसल की, कितनी प्रॉपर्टी जब्त की? सतवीर बंसल की पूर्व में 5,41,00,000 रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की जा चुकी है, अब आज करीब 4 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है। सुंदर भाटी के गैंग का, अगर केवल सुंदर भाटी के गैंग का देखा जाए तो लगभग 17 करोड़ की ज़मीन कुर्क की जा चुकी है, और अन्य गैंग रणदीप भाटी, अनिल दुजाना आदि हैं, सबका मिला करके कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की तरफ से लगभग 40 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की जा चुकी है। सर, अगर बात करते हैं तो जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, संपत्ति कुर्क की जा रही है तमाम जो अपराधी हैं, तो कब तक ये कार्रवाई चलेगी और कितने लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है? ये काफ़ी लोग चिन्हित किए गए हैं माफिया, सबके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, हर जगह से पता किया जा रहा है, जो जो प्रॉपर्टी इनकी पता चलती जाएगी उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करते जाएंगे, ये प्रक्रिया अनवरत जारी रहेगी। आपको बता दें कि सुंदर भाटी गैंग के सदस्य के रूप में सतवीर काम करता था। सतवीर पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी सतवीर की जमीन गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट द्वारा कुर्क की गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नोएडा से गौरव की रिपोर्ट।